फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ऑर्डर रेंटिंग करेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज़ क्वालिटी फैक्टर। तो क्या होते हैं क्वालिटी फैक्टर? बेसिकली क्वालिटी फैक्टर इज़ द क्वांटिटी विच मेजर्स द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था रेजोनेंट कर्व को, तो रेजोनेंट कर्व का जो शार्पनेस था, तो इसको मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेजोनेंट कर्व जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। सो द शेप इज़ लाइक दिस, ऐसे शेप था। तो इसका शार्पनेस कितना बढ़ेगा, तो इसको इंडिकेट करने के लिए एक क्वांटिटी होते हैं जिसका नाम है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या फिर इंडक्टर टू दैट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है, इट इज़ सिंपली द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या इंडक्टर टू दैट ऑफ द वोल्टेज पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। इसका कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को लिखा है, दैट इज़ गिवन बाई 1/ωC, दैट इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई द करेंट डिवाइडेड बाई वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। कितना हो जाएगा, करेंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो ओमेगा है, सो दैट इज़ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो ये पूरा जो क्वालिटी फैक्टर हम लोग निकालेंगे, सो दैट विल बी इन द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन पर हम लोग क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, तो इसके कारण ओमेगा विल बी द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मैंने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया था, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड सी द कैलकुलेशन वंस अगेन। तो यहाँ पर ओमेगा नॉट विल बी द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, सो दैट इज़ गिवन बाई 1/√L(C)। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना मिलेगा, 1/R(√L/C). सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर। तो ये वाला डिराइवेशन एग्जाम में आते 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वालिटी फैक्टर इज़ गिवन बाई 1/R(√L/C). अब ये देख लीजिए, ये है रेजोनेंट कर्व। तो यहाँ पर शार्पनेस कब बढ़ेगा, व्हेन द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी F2 - F1 क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किसी भी जनरल वैल्यू ऑफ करंट के लिए, I- के लिए, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2। तो ये जो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का ऑन आइदर साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बैंडविड्थ। सो दिस F2 - F1 कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, ω2 - ω1। वाई? बिकॉज ओमेगा क्या है, ओमेगा इज़ नथिंग बट 2π f। ये 2π क्या होते हैं, 2π तो कॉन्स्टेंट है। तो बेसिकली हाउ वी कैन राइट F2 - F1, इट कैन सिंपली रिटन एज ω2 - ω1। दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर दिस डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, बैंडविड्थ। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग बैंडविड्थ को घटा देंगे, डिक्रीज करेंगे, तो क्या शार्पनेस बढ़ेगा या घटेगा? सो दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। इफ़ द बैंडविड्थ डिक्रीजेस, विल द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंट कर्व विल इंक्रीज और विल इट डिक्रीज? सो ऑब्वियसली यू कैन सी फ्रॉम द कर्व दैट इफ द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ω2 - ω1 डिक्रीजेस, तो क्या होगा, ये जो शार्पनेस है दैट विल इंक्रीज। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि द इफ़ द बैंडविड्थ डिक्रीजेस देन द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस विल इंक्रीज। और यहाँ से भी हम लोग क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो जितना कम होगा बैंडविड्थ, उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर। और ये सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर होते हैं, इन द बेटर ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। तो जब रेडियो में हम लोग ट्यून करते हैं, फॉर बेटर ट्यूनिंग के लिए हम लोग को क्या चाहिए, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंट कर्व होना चाहिए। तो शार्पनेस कब मिलेगा, व्हेन द बैंडविड्थ विल डिक्रीज। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, दूसरा है डिक्रीज इन द बैंडविड्थ, एंड तीसरा क्या है, इंक्रीज इन द क्वालिटी फैक्टर। तो ये 3 क्वांटिटी अगर सेटिस्फाई हुआ, देन ओनली द रेडियो विल बी बेटर ट्यून्ड। सो फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, इफ़ द बैंडविड्थ डिक्रीजेस तो क्या होगा, द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंट कर्व विल इंक्रीज एंड सो विल द क्वालिटी फैक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मैग्नेटिक एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड इनसाइड ए इंडक्टर। तो इसको देखने के लिए पहले हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रही है एक इंडक्टर है, और यहाँ से मैंने एक एसी सोर्स कंसीडर किया है। इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना होता है, कैपिटल एल, राइट। और इंडक्टर का काम क्या होता है, इट विल ट्राई टू अपोज द इंक्रीज इन द करंट। तो जैसे ही यहाँ से करंट पास होने लगेगा, अगर करंट इंक्रीज होने लगेगा तो क्या होगा, इंडक्टर विल अपोज द इंक्रीज इन द करंट। सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए इंडक्टर, राइट। तो आई इसका एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी निकालने का बहुत आसान तरीका है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हियर यू कैन सी दैट वी नो दैट ई इंड्यूस्ड इन केस ऑफ इंडक्टर इट इज़ गिवन बाय हाउ मच, एल डी आई बाई डी टी, राइट। ये हम लोग लेंजेस लॉ में देखा था, इंड्यूस्ड ई एम एफ इज़ गिवन बाई एल डी आई बाई डी टी, राइट। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ई एम एफ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर को हम लोग कैसे लिखेंगे, सो पावर कैन बी रिटन एज, सो हाउ वी राइट द पावर, सो दैट इज़ गिवन बाई डी डब्ल्यू बाई डी टी, राइट। इंस्टेंटेनियस पावर इज़ गिवन बाई डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो यहाँ से वर्क डन कितना आएगा, सो वर्क डन विल बी हाउ मच, पी इंटू डी टी, ठीक है। तो ये हम लोग के पास आ गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है, पावर इज़ नथिंग बट करेंट इंटू वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पर वोल्टेज कौन सा होगा, ई इंड्यूस्ड। तो हाउ वी कैन राइट दिस वन, सो डी डब्ल्यू फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी कैन राइट इंटीग्रेशन, दिस इज आई ई इंड्यूस्ड, राइट, इंटू क्या होगा, डी टी हो गया। अब इसको हम लोग को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ई इंड्यूस्ड का वैल्यू। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई इंड्यूस, सो दैट इज़ गिवन बाई एल डी आई बाई डी टी, राइट, इंटू क्या है, डी टी है। और किसका लिमिट होगा यहाँ पर, फ्रॉम ज़ीरो टू आई, बिकॉज करेंट इज़ द वेरिएबल। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ज़ीरो टू डब्ल्यू। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, डब्ल्यू। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डी टी से डी टी कैंसिल, सो दिस विल बिकम एल, एंड इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, आई इंटू डी आई, राइट, फ्रॉम ज़ीरो टू आई। तो इसके बाद यहाँ से कितना मिलेगा, सो दैट विल बिकम आई स्क्वेयर बाई टू, राइट। तो ये आ गया वर्क डन, सो वर्क डन इज हाउ मच, सो दैट इज हाफ एल आई का स्क्वेयर। तो इसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन साइड द इंडक्टर। सो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई यू इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वेयर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन साइड द इंडक्टर इज गिवन बाई हाफ एल आई स्क्वेयर। तो एक बार फिर से देख लीजिए कैलकुलेशन, हियर व्हाट आई हैव यूज्ड, सो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम, इंडक्टर है, उसके साथ एक एसी सोर्स कनेक्टेड है। देन हाउ वी डिराइव दिस वन, ई इंड्यूस्ड इज गिवन बाई एल डी आई बाई डी टी, ये आप लोग को मिला था इन द लेंजेस लॉ। देन पावर वी कैन राइट एस डी डब्ल्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस पावर विल बी गिवन बाई वर्क डन बाई टाइम। तो डी डब्ल्यू कितना होगा, पी इंटू डी टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद। उसके बाद पावर क्या होते हैं, करेंट इंटू वोल्टेज। उसके बाद अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देन फाइनली हाउ मच विल गेट, हाफ एल आई स्क्वेयर, ठीक है। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर। भाई नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, नेक्स्ट टॉपिक इज एल सी ऑसिलेशंस, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एल सी ऑसिलेशंस। इसको समझने के लिए कुछ सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे कि पहला सर्किट है एल सी, मतलब एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टेंस एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस, राइट। तो इस सर्किट में क्या रहेगा, देयर विल बी ए कैपेसिटर एज वेल एज एन इंडक्टर। तो ये एक स्विच है, और ये क्या है, दिस इज़ एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, एंड दिस इज ए कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। जैसे ही हम लोग स्विच को बंद कर देंगे तो क्या होगा, द करेंट विल फ्लो,
तो ये कैपेसिटर क्या होने लगेगा, कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, राइट। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज स्विच इज क्लोज्ड, जैसे हम लोग स्विच को बंद कर देंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर क्या करने लगेगा, स्टार्ट डिस्चार्जिंग, राइट। कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। सो डिस्चार्जिंग का मीनिंग क्या है, यहाँ से चार्ज बाहर निकल के इंडक्टर की तरफ चला जाएगा। तो जैसे चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज मतलब क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज विल गिव करेंट, राइट। तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा, करेंट विल फ्लो। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा तो करेंट बहुत बढ़ना चाहेगा, देयर विल बी लार्ज इंक्रीज इन द करेंट। तो जैसे ही देयर विल बी सडन इंक्रीज इन द करेंट, तो ये जो इंडक्टर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, सो दैट इंडक्टर विल ट्राई टू अपोज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द करेंट। तो करंट जितना रेट से बढ़ रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। सो दैट करंट तो बढ़ेगा लेकिन स्लोली स्लोली बढ़ेगा करंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज इज डिक्रीजिंग बिकॉज ये डिस्चार्जिंग है, लेकिन करंट क्या हो रहा है, करंट स्लोली स्लोली इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। एकदम से नहीं बढ़ेगा बिकॉज यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर का काम क्या होता है, इट विल अपोज द इंक्रीज इन करंट। तो ओपोस मतलब क्या करेगा, करंट को धीरे धीरे वो बढ़ाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्चार्ज हो रहा है और करंट स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेज में हम लोग देख सकते हैं, सेकंड स्टेज में दिस इज़ द कैपेसिटर, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज़ द इंडक्टर और यहाँ पर क्या था, एक स्विच था, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस था, तो यहाँ से करंट क्या हो रहा था, फ्लो कर रहा था आई करंट। अब मान लीजिए ये जो करंट है, नाउ करंट अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू, करंट का क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू रीच कर दिया करंट। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय से सपोज आई नॉट, ठीक है। तो आई नॉट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। अब यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, सो सिंस करंट बिकम्स मैक्सिमम, तो चार्ज इन द कैपेसिटर कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन अब भी क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करना कंटिन्यू रहेगा। क्यों रहेगा करंट फ्लो करना, बिकॉज यहाँ पर देखिए इंडक्टर, तो इंडक्टर का काम क्या होता है, इट विल ट्राई टू अपोज द ग्रोइंग करंट, लेकिन क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा डिकेइंग करंट को। तो मैं इंडक्टर का रोल समझा देते हूँ, इंडक्टर का जो रोल होता है, इंडक्टेंस विल क्या करते हैं, विल अपोज, ये आप लोग को समझना पड़ेगा, ओपोस इसको ओपोस करेगा ग्रोइंग करंट को। करंट अगर बढ़ रहा है तो इसको क्या करेगा, ओपोस करेगा, राइट। लेकिन इंडक्टर विल सपोर्ट, ये सपोर्ट किसको करेगा, इट विल सपोर्ट डिकेइंग करंट, ठीक है। तो करंट जो ज़ीरो की तरफ जा रहे उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर करंट एकदम से ज़ीरो नहीं होगा, तो धीरे धीरे करंट फ्लो करना कंटिन्यू रखेगा बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टर। सो इंडक्टर विल नाउ सपोर्ट द क्या होगा, डिकिंग करंट को वो सपोर्ट करेगा। तो यहाँ से फिर से चार्ज जमा होने लगेगा कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ पर अब जो कैपेसिटर का पोलरिटी है, सो दैट विल चेंज। तो पहले देखिए आप लोग, यहाँ पर पहला प्लेट में पॉजिटिव चार्ज था और दूसरा प्लेट में क्या था, नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये वाला कंडीशन में क्या होगा, सिंस द इंडक्टर विल नाउ सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट, तो यहाँ पर जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, द चार्ज विल बी डिपॉजिटेड इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पर चार्ज जमा होने लगेगा। तो ये तीसरा सर्किट है हम लोग का, दिस इज द थर्ड स्टेज। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज में क्या होगा, नाउ धीरे धीरे करके क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज तो पहले ज़ीरो हो गया था लेकिन करंट फ्लो करना कंटिन्यू था बिकॉज ऑफ द इंडक्टर। अब क्या होगा, कैपेसिटर के अंदर फिर से चार्ज का जमा होने लगेगा।
अब क्या होगा, नाउ अगेन द चार्ज विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग फ्रॉम द कैपेसिटर,